हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी के एक नई भर्ती के बारे में। यहाँ पे 10 तारीख को एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया एसएससी की तरफ से, जो कि भर्ती निकाला गया है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2022, यानी सीपीओ का एक वैकेंसी होता है जो कि रिलीज़ कर दिया गया है। कैलेंडर के अनुसार एसएससी के जो कैलेंडर था उसमें भी दिया हुआ था कि जल्दी इस 10 तारीख तक इसका वैकेंसी आने वाला है, फाइनली आ चुका है। इसे नोटिफिकेशन पे चलता हो और एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूँगा कि कब से कब तक अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना पोस्ट है मेल फीमेल का अलग अलग, और कैसे अप्लाई करना है, क्या एनसीसी का मार्क्स मिला है कि नहीं, पूरा डिटेल इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए पूरा बता देता हूँ। तो फाइनली देख सकते हैं एसएससी का जो अभी वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपका डेट दिया हुआ इम्पोर्टेंट डेट है, तो पहले बता देता हूँ। तो इसका जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म है वो 10/8 यानी जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से लेकर 30 तारीख तक, यानी 10 तारीख से लेकर 30 तारीख, इसी महीना के 10 से 30 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि टोटल 20 दिन का समय दिया जा रहा है। इसका लास्ट डेट है समझ 30 तारीख, लास्ट डेट चालान जमा कर सकते 30 तारीख को, लास्ट डेट ऑनलाइन मेकिंग फ़ी 31 तारीख, और यहाँ पे चालान से 31 तारीख तक, और करेक्शन कर सकते हैं अगर इसको फॉर्म को भरने के बाद भी अगर गलत हो जाता है तो 1/9 को करेक्शन कर सकते हैं सितंबर में। इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर मंथ में, अभी पूरा डेट नहीं बताया गया, सिर्फ मंथ बताया गया है। उसके बाद है यहाँ पे मेन पॉइंट, ये सब छोड़िए, सैलरी तो पता ही होगा आपको, तो इतना दिया जाता है। मेन है वैकेंसी, तो यहाँ पे जो वैकेंसी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आएंगे तो वैकेंसी भी डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे आपका दिल्ली पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट का वैकेंसी यहाँ पे बोला है, टोटल 228 है, और फीमेल कैटेगरी का टोटल यहाँ पे बताया गया है सब इंस्पेक्टर इन फीमेल कैंडिडेट का टोटल 112 है। तो यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हैं दोनों का वैकेंसी है। उसके बाद इसके अंदर में भी डिपार्टमेंटल, जैसे ओपन कैंडिडेट जो डायरेक्ट कैंडिडेट होंगे उनके लिए 180 पोस्ट है, एक सर्विसमैन के लिए 13 है, और एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसी है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 23 वैकेंसी है, और टोटल यहाँ पे सभी का 228 है मेल कैंडिडेट में। फीमेल में डायरेक्ट ओपन का है, कोई इसमें एक सर्विसमैन डिपार्टमेंटल का नहीं दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप CAPF का, तो क्योंकि ये भर्ती जब होता है तो इसमें दिल्ली पुलिस का अलग से भर्ती वैकेंसी रहता है, और बाकी जितने भी आर्म फोर्सेस है जैसे कि BSF है, CISF है, CRPF है, ITBP है, SSB है, इन सब फोर्सों का अलग से निकाला जाता है सब इंस्पेक्टर के लिए। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए BSF में टोटल 35 है, CISF में मेल फीमेल के लिए 9 पोस्ट है, CRPF में टोटल 311 है, ITBP में 19 है, SSP में 21 है, टोटल यहाँ पे 395 है, यानी 395 एक सर्विसमैन के लिए। और बाकी जो आप जो भरेंगे ग्रैंड टोटल है तो इसका BSF में 353, CISF में 86 मेल फीमेल का मिला के, CRPF में 3112, ITBP में 191, SSB में 218, और यहाँ पे 3960 है टोटल पोस्ट। तो ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हैं 4000 से ऊपर ही पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रिजर्वेशंस वगैरह, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे सिटीज़न ऑफ इंडिया, सिटीज़न ऑफ नेपाल और सिटीज़न ऑफ भूटान के जितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब बात है एज लिमिट, इसमें एज लिमिट कितना रखा गया है, तो एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है आपका एज 1/1/2022 से काउंट किया जाएगा, और यहाँ पे एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड बी 20 से 25 साल, यानी जो 20 से 25 साल के कैंडिडेट है जनरल कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब से रखा गया है, 2/1/1997 से लेकर 1/1/2000
दो के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज निकल चुका है, आप कोई कैटेगरी में आते हैं, जैसे STSC में आते हैं, तो 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC में 3 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विस मैन को अलग से यहाँ पे 3 ईयर का मिलिट्री सर्विस का वगैरह देता है, बाकी सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, इंपॉर्टेंट और भी कुछ दिया है, जैसे कि आपका OBC के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब बात है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या लगेगा, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बोला है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर ऑल पोस्ट बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे जो भी हो, BA, BSc, BCom, BTech, BCA जो भी हो, आपका 3 ईयर का प्रोग्राम, 4 ईयर का प्रोग्राम जो होता है वो होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे। इसमें आपका बोला गया है कि स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ विच आर एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल इन गिवन एनेक्सर्स 11 में दिया हुआ है, इसका सिग्नेचर का साइज़ है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट तो पता ही है कि 30/8/2022 तक है, हाईलाइट करके बताया है। इसका जो अप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है, 100 रुपये आपका अप्लीकेशन फ़ीस किनका लगेगा, तो जो कैंडिडेट UR कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं और EWS में आते हैं, तो उन कैंडिडेटों का यहाँ पे 100 रुपया लगने वाला है, और बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका नहीं लगेगा, और फीमेल कैंडिडेट चाहे जो भी कैटेगरी में, उनका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें, अब है यहाँ पे कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो जितने भी SSC का एग्ज़ाम होता है वो ऑल ओवर इंडिया में सेंटर रहता है, आप जो चूज़ करते हैं 3 सेंटर उसके बेसिस पे दे दिया जाता है आपके, जैसे ईस्टर्न रीजन हो गया, कोलकाता में देगा, रांची, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, कर्नाटका, ये सब का अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे सेंटर बनाए जाते हैं। अब है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे पहला नंबर, तो यहाँ पे देखिए, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इंडोरेंट टेस्ट, पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशंस, ऑल दिस स्टेज आर मैंडेटरी। तो यहाँ पे जो पेपर 1 होने वाला है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आपका जनरल अवर नॉलेज जो होता है वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और यहाँ पे इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टोटल 2 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 होगा, तो पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन होगा, तो 200 क्वेश्चन का इंग्लिश रहेगा, 200 मार्क्स का, टोटल 2 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, यानी 1/4 का, यानी 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका NCC के मार्क्स को भी जिक्र किया गया है, जो कि SSC अब NCC के मार्क्स भी देने लगे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो यहाँ पे बोला गया है कि बोनस मार्क्स इन ईच पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी आपका जो पेपर 1 200 नंबर का है, तो 200 का 5% निकालेंगे तो NCC सर्टिफिकेट में 5% दिया जाता है, तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपका NCC B सर्टिफिकेट है, अगर NCC B सर्टिफिकेट है, तो B सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पे 3%, यानी आपका 200 का 3%, यानी 6 नंबर, और NCC A वालों को 2%, यानी 4 नंबर दिया जाएगा। दोनों पेपर में अलग अलग, जैसे कि पेपर 1 में भी 10 मार्क्स और पेपर 2 में भी 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे आपका सिलेबस का जो डिटेल है, कौन कौन सा चैप्टर से आता है, वो पूरा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख लेंगे, इंग्लिश का अलग से भी दिया है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें फोर्स का है तो फिजिकल होगा ही, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, तो यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट का बोला है कि मेल कैंडिडेट एक्सपेक्ट लिस्टेड इतना, तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट 80 से 85 के बीच में, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव, जो गोरखाल, मध्य प्रदेश, मराठा, लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो 165 सेंटीमीटर हाइट और 80 से 85 चेस्ट। और यहाँ पे नेक्स्ट है ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल ट्राइब, यानी ST से है तो 162.5, 77 से 82
और फीमेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर, और फीमेल अगर हिल्स एरिया वगैरह से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 155 सेंटीमीटर, और फीमेल का एसटी कैटेगरी का 154, और इनका चेस्ट वगैरह कुछ नहीं मापा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे वेट, वेट आपके हाइट के अनुसार मापा जाएगा। उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी, इसमें बोला है मेल कैंडिडेट का कि 100 मीटर का रेस होगा 16 सेकंड में कंप्लीट करना है। उसके बाद 1.6 किलोमीटर का रेस होगा 6.5 मीटर में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप होगा 3.65 का, 3 चांस में यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे हाई जंप करना है 1.2 मीटर इन 3 चांस, और यानी शॉर्ट पुट होगा जो कि 4.5 मीटर का, जो कि 3 चांस में कंप्लीट करना है। उसके बाद फीमेल का अलग से है, जो कि 100 मीटर 18 सेकंड में दौड़ना है, 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर का होगा, जो कि 3 चांस दिए जाएंगे, और हाई जंप में 0.9 मीटर इन 3 चांस में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल का बारे में बताया जाए कि आप वो आई साइट कैसा होना चाहिए, क्या क्या है कंटेंट लोकेशंस, उसके बाद एडमिशन्स, तो और भी देख लेते हैं। तो इसमें मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है कि बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर वन एंड पेपर टू विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स आर 30%, यानी बिना ऐड किए 30% यूअर कैटेगरी में, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25%, ऑल अदर जितने भी कैटेगरी एस सी एस टी है उनका 20% यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे पेपर वन पेपर टू हो गया, प्रेफरेंस दिया है कि आप प्रेफरेंस कैसे डालेंगे जब फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का ए है, एसएस बीएसएफ का यहाँ पे बी कैटेगरी है, उसके बाद यहाँ पे सीआईएसएफ का यहाँ पे सी कैटेगरी है, उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ का डी है, और यहाँ पे आईटीबीपी का ई है, और यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल का एफ यहाँ पे कोड दिया हुआ है। आप लोग प्रेफरेंस डाल सकते हैं आगे पीछे जो भी आपका प्रेफरेंस हो। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस डालने का फाइल एंड सबमिशन वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी प्रोसीजर ऑफ फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट में, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एसएससी के ऑफिशियल साइट पे, और उसके बाद फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको एग्जामिनेशन के लिए करना है। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे मोबाइल नंबर लगेगा, उस पे ओटीपी जाएगा वेरीफाई करने के लिए, ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जाएगा, उसके बाद आधार नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे वोटर कार्ड पैन कार्ड, जो अगर आधार नंबर नहीं है तो इसके अलावा ये सब डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ बेसिक डिटेल्स, एडिशनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स, डिक्लेरेशन वगैरह देना है। तो ये सब पूरा डिटेल यहाँ पे एग्जैक्टली आपको फिल करना है, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस में आपको पूरा देना है। यहाँ पे भरने का स्क्रीनिंग ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, आप लोग चेक कर लेंगे, इसे पूरा पिक्चर दिया हुआ है रियल, जो जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे वैसे ही। उसके बाद है पार्ट टू रजिस्ट्रेशन, तो पार्ट टू रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे इसका भी दिया हुआ है पूरा सैंपल, तो चेक कर लेंगे कि क्या क्या इसमें भरना है। तो ये वीडियो था, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया कि क्या क्या है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।